हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में पबजी मोबाइल के। तो आज की वीडियो में हम सेंसिटिविटी की सेटिंग के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे सेंसिटिविटी रखनी है। तो बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ADS और कैमरा व्यू क्या होता है, कैमरा सेंसिटिविटी, फ्री लुक क्या होता है, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन क्या होता है और जायरो क्या होता है, सब बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है कि आपको कैसे सेंसिटिविटी रखनी है और प्लस आपको नो रिक्वेल और प्लस नो जायरो बताऊंगा। ठीक है, जो मेरी पर्सनल सेटिंग है सेंसिटिविटी की वही बताऊंगा आपको। आप धीरे धीरे सीख पाओगे ये सेंसिटिविटी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है तभी जाके आप सीख पाओगे ये सेंसिटिविटी। बाकी तो बिल्कुल इजी सेंसिटिविटी है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और कॉपी करना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं ट्रेनिंग मोड में। हमने फटाफट करके फटाफट आपको दिखाएंगे सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी को ओपन करेंगे तो पहले देखिए लो मीडियम हाई आपको कस्टमाइज करना। तो कस्टमाइज में पहले आप लो मीडियम हाई जो भी करते तो कुछ छोड़ दीजिए, आप कस्टमाइज में आ जाइए तुरंत। तो करने के बाद सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं ये जो कैमरा सेंसिटिविटी, फ्री लुक और कैमरा और ये जो ADS क्या होता है, उससे पहले बताऊंगा आपको थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन होता क्या है। ठीक है, और जायरो भी बताऊंगा जायरो क्या होता है। लोगों को पता नहीं होता पहले इनका क्या यूज़ है, तो खेलने आ जाते तो इसलिए पता नहीं चलता सेंसिटिविटी को क्या रखनी चाहिए, इनको मालूम नहीं होता। तो पहले मैं बता दूं आपको थर्ड पर्सन क्या होता है। थर्ड पर्सन कैमरा ये होता है, यानी TPP, एक तरह से आपका TPP होता है थर्ड पर्सन कैमरा। ठीक है, जहाँ आप आचार हो तब देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एनिमी को देखना हो TPP लेके आराम से ले सकते हो, देख सकते हो, मतलब आराम से TPP लोगे आप किसी भी पेड़ के पीछे किसी दिक्कत से। यहाँ पे हूँ मैं, कहीं भी देख सकते हो, ऊपर नीचे लेफ्ट लाइट। ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड पर्सन कैमरा। ठीक है, तो ये है आपका अब फर्स्ट पर्सन कैमरा, यानी FPP। यानी आप FPP लोगे तो सामने का कुछ नहीं देख पाओगे, सामने का जो दिखेगा वही दिखेगा, बाकी आप रेड लेफ्ट लाइट ही हल्का फुल्का देख पाओगे, बाकी पीछे का एरिया नहीं देख पाओगे बिल्कुल भी। आप देखिए जैसे मैंने FPP लिया, कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, ना घर दिख रहा, लेकिन TPP करूँगा तो सब कुछ दिखेगा। तो एक तरह से आप मान लीजिए FPP का मतलब फर्स्ट पर्सन, TPP का मतलब थर्ड पर्सन, बस इतना याद रखिए और कुछ याद नहीं रखने की जरूरत नहीं है आपकी। बस ये दिखा दिया मैंने, अब आपको बताएंगे हम कि कहाँ गया से, ये तो जम बहुत कर लिया। तो हम सेंसिटिविटी खोलते आपको बताएंगे। सबसे पहले थर्ड पर्सन हो गया, ये किस काम आता है थर्ड पर्सन कैमरा, किस काम आता है। ठीक है, ये बताएंगे सबसे पहले। ठीक है, थर्ड पर्सन कैमरा किस काम आता है, सबको पहले 0-0 करेंगे क्योंकि आपको पता चल जाए एक तरफ से। अब देखिए जैसे iPad है हमारा, अभी ये सामने खड़े हैं, हमें पीछे देखना हो तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टच डिस्प्ले को टच करके पीछे घूमें, तो हमें iButton से देखना होता है। तो iButton से देखिए, नहीं देख पा रहा बिल्कुल भी क्योंकि हमने 0 कर रखा है। FPP TPP दोनों में नहीं देख पाऊंगा क्योंकि दोनों का 0 कर रखा है, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन आपको पता ही है 0 कर रखा है मैंने दोनों। अभी देखिए FPP में नहीं कर पा रहा मैं, ना TPP में कर पा रहा हूँ, यानी मेरे को पीछे देखना हो तो मेरे को आई की मदद, ये आई का काम करता है। ठीक है, फ्री ये दो आई का काम करता है ये। अब करेंगे सेंसिटिविटी, देखिए फ्री लुक में यही होता है। ठीक है, फ्री लुक कैमरा सेंसिटिविटी, फ्री लुक का मतलब यही होता है, यानी आई की मदद से देखना। अब आपको दिखाएंगे कैमरा। ठीक है, कैमरा और ADS में क्या अंतर है। ठीक है, पहले तो ये फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन को सबको 1-1 करेंगे। 1-1 करने के बाद अब आपको बताता हूँ। अब देखिए, अब जैसे मैं विदाउट, इसका मतलब हो गया एक तरफ से कैमरे का मतलब कि आपकी सेंसिटिविटी विदाउट फायर करते हुए कैसे होनी चाहिए, रेड डॉट हो, लो सक्सेस की, मतलब आप फायर नहीं करोगे, बस आपको एम करना है बिना फायर करे, तो ये होती है काम आती है सेंसिटिविटी। आप देखिए जैसे मैंने 0 कर रखा है थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन ही है मेरा एक तरह से, यानी TPP। आप देखो मैं राइट लेफ्ट कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा क्योंकि मैंने 1 कर रखा है इसको, बिल्कुल 0 कर रखा है, यानी मैं मूवमेंट नहीं कर सकता। ये देखिए बिल्कुल नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये होता है। एक तरफ से समझिए कि कैमरा का मतलब ये होता है आसान शब्दों में कि अब देखो करने लगा ना कि बिना फायर करे हुए एनिमी में एम करना, यानी बिना कुछ करे, बिना फायर करे आपको एम करना रेड डॉट होलो से। ठीक है, वो वाली सेंसिटिविटी आपकी कैसी होनी चाहिए बिना फायर के। ठीक है, ये होता है कैमरे का मतलब। ठीक है, समझ गया ना, फिर से बताती हूं हमने आसान शब्दों में। अब देखो रेड डॉट है, ये देखिए बिना फायर करते हो कैसे भागना नागिन की तरह, ये देखिए पूरा कुत्तों की तरह भाग रहा है रेड डॉट। ये हो गया बिना फायर करे हमें एम करने का। अब जैसे मैं फायर करूंगा, ADS खुल गया हमारा, ये देखिए अब बिल्कुल स्टेबल हो गया, बिल्कुल भी वो इतना नहीं हो रहा, ये देखिए। लेकिन अभी कितना हो रहा है क्योंकि हम बिना फायर करे चला रहे हैं। अब देखो फायर करेंगे, अब 6-8x देखिए, ये देखिए, मतलब एक तरह से ये समझिए कैमरे का मतलब होता है विदाउट फायर करे एनिमी में एम करना, यानी कहीं भी एम करना विदाउट फायर करे, यानी आपको बस एम करने वाली सेटिंग करनी है इसमें कि आप कितनी जल्दी एम करना है बंदों में बिना फायर करे। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अब देखिए, ये देखिए 3x को देखिए,
देखिए अभी देखिए मेरा 3 कहाँ है, 6x की सेंसिविटी यही हमने ये कर रखी है। अभी मैं नॉर्मल है, अभी बताऊंगा क्या क्या करनी है। पहले आपके बारे में ये बता रहा हूँ कैमरा और ये ADS में क्या अंतर है। अभी तो नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ ठीक है, क्योंकि हमने 6x, आप देखिए 6x बनाया, जैसे पूरा लहर मारने लगा बिना फायर करते हुए कुछ। आप देखिए अब 3x का भी एक बार सिखा दूँ सेंस, अबे क्या बोल गया, पीछे जाएंगे सेंसिविटी में जाएंगे, 3x का है हमारा ये रात, अभी नॉर्मल पता नहीं कुछ हो रखा है, इसको बढ़ाएंगे। अब देखिए 3x की सेंसिविटी देखिए बिना फायर करते, ये देखिए बिना फायर करते हम एम कर रहे हैं तो ये कुत्तों के लहरों को हमने फुल कर रखा है इसको, ठीक है। ये समझ गया कैमरे का मतलब, ठीक है। अब ADS का मतलब तो आप समझ गए होंगे, लेकिन ADS के बारे में बताते हैं अब आपको। 4x को हटाओ, अब सेंसिविटी देख लिए, अब ADS देखिए, ADS ये है ADS, अब इसको जीरो करेंगे। अब देखिए क्योंकि अभी हटाओ इसको, हटाओ हटाओ, अब ADS का मतलब ये सामने ADS है, ठीक है। मतलब आपको कुछ बिना खोले आपको फायर करना है, ठीक है, यानी रेड डॉट भी नहीं, मतलब थर्ड पर्सन जैसे आप खड़े होते हो वैसे फायर करना है। तो अभी हम रेड डॉट कर रहे हैं, तो ये आपको क्योंकि इसका सेंसिविटी आपको पता होना चाहिए कि ADS की सेंसिविटी क्या होती है, ठीक है, कि ADS का मतलब होता है कि या ADS का मतलब होता है फायर करते हुए आपकी सेंसिविटी कैसी होनी चाहिए, यानी आप फायर कर रहे हो एक NEP से दूसरे NEP में कैसे हम ट्रांसफ़र करें अपना फायर, तो ये होता है इसका मतलब, ठीक है। आप देखिए जैसे कि मैंने इसको जीरो कर रखा है, थर्ड पर्सन यानी कोई भी स्कोप नहीं खोल रखा है, तो जीरो कर रखा है इसको आराम से। अब देखिए फायर करूँगा मैं डिस्प्ले को नीचे कर रहा हूँ, लेकिन नीचे ही नहीं हो रहा, मेरा एम ऊपर ही जा रहा है, ऊपर जाया जा रहा है और ऊपर जा रहा है फायर करते हुए, यानी फायर होते हैं सेटिंग मेरी बिल्कुल जीरो है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। अब देखिए ऊपर जा रहा है, अब जैसे मैं इसकी सेंसिविटी थर्ड पर्सन की और फर्स्ट पर्सन दोनों एक ही तरह है, PP TPP की सेटिंग सेम ही होती है। अब देखिए मैं आराम से मूव करता हूँ राइट लेफ्ट फायर करते हुए, तो एक तरह से आप समझ ही गए होंगे कि कैमरा और ADS में क्या अंतर है। ADS का मतलब होता है फायर करते हुए आपकी सेंसिविटी कैसी होनी चाहिए आसान शब्दों में, और विदाउट फायर करते हुए आपकी सेंसिविटी कैसे होनी चाहिए कैमरे का मतलब ये होता है। दोनों में यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है दोनों में, बाकी दोनों की सेंसिविटी बिल्कुल सेम रखनी होती है। अब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आपको पता है कि FPP और TPP की सेटिंग सेम होती है बिल्कुल, कोई अंतर नहीं होता उसमें, बाकी रेड डॉट कोई बदलता नहीं, जो आप रेड डॉट का रखोगे वो FPP में होगा, जो 6x की रखी होगी सब कुछ उसी में होगा, ठीक है। ये हो गई आपकी सबके बारे में बता दें, एक बार जायरो बता दूँ, जायरो में ही बिल्कुल यूज़ नहीं करता, और यार ये भी बता दूँ कि जायरो आप विदाउट जायरो होता है, नो रिक्वायर है बिल्कुल भी, लेकिन आपको जायरो यूज़ करना है तो बता दूँ जायरो होता क्या है। ये देखिए स्कोप करेंगे, यानी आप फोन को हिलाओगे तो सब कुछ हिलेगा, यानी स्कोप सिर्फ स्कोप ओपन पे खुलेगा ये, ठीक है जायरो। अब ऑलवेज ऑन करेंगे तो ऑलवेज ऑन में सब कुछ करेंगे, यानी आप पूरा फोन हिलाओगे तो आपका प्लेयर भी हिलेगा, एम भी हिलेगा, सब कुछ हिलेगा, तो ऑलवेज ऑन। हम जायरो यूज़ नहीं करते तो जायरो को बंद करेंगे फटाक से, अगले पे बताएंगे सेंसिविटी क्या रखनी है। आपकी दो भी सेंसिविटी होगी, दिक्कत तो आएगी आपको ये वाली सेंसिविटी करने में, क्योंकि आप फुल लो खेलते थे या फुल हाई खेलते थे, अब आप मीडियम खेलोगे तो मीडियम में आपको टाइम तो लगेगा सीखने में, ठीक है। तो मीडियम कस्टमाइज करने के लिए तो सबसे पहले सबको ये कैमरा सेंसिटिविटी लुक को फुल करिए, ठीक है। ये क्या होता है आपको तो पता ही चल गया होगा, यही होता है FPA TPP। ये देखिए आई बटन घुमाने का मतलब, आई बटन से आपको देखना हो तो कैसे कितनी जल्दी देखना चाहते हो वो होता है इसका मतलब। तो इसको हमेशा फुल रखिए, मतलब 300 के आसपास। और दूसरा होता है कैमरा, कैमरे को हमेशा फुल रखिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड को थर्ड को। ये देखिए ये है हमारा TPP, ये देखिए ये होता है हमारा क्या होता है विदाउट फायर करे हुए एम करना, यानी थर्ड पर्सन। ये हो गया, आप देखिए रेड डॉट और 2x 3x 4x, इन सबको 30 के नीचे 30 के आसपास रखिए, तो मैं 30 के आसपास यानी 25 रखता हूँ हमेशा रेड डॉट को, रेड डॉट और होलो को एम असिस्ट के साथ खेलता हूँ मैं इनको, तो इसको 25 रखूँगा। 2x को 20 आप भी रखिए बिल्कुल सेम, बिल्कुल रिकॉइल नहीं होगी। दूसरे नंबर में 3x को 15 क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसको, एक ही तरह एम करना होता है हमें। 4x को भी हम 16 के आसपास या 15 के आसपास रखेंगे इनको, तो इसको और कम करना पड़ेगा अभी थोड़ा। ये रखा हमने 15 पे, तो अब 6x की बारी, 6x को भी 15 पे रखते हैं हम, और 8x को 10 के आसपास रखिए सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि 8x का बिल्कुल यूज़ नहीं होता है मतलब एम करने में, कि आपका जल्दी आराम से एम हो सकते। देखिए रेड डॉट कैसे आराम से एम कर पा रहा हूँ मैं विदाउट फायर करे हुए, ये होता है कैमरे का मतलब। ये देखिए कितना आराम से हो रहा है कोई, अब 6x का दिखा दूँ, ये देखिए किसको भी एम करना हो आराम से एम कर सकता हूँ मैं, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, वो नहीं हो रहा कि चिपक रही है, ये ज़्यादा हाई हो रही है, बिल्कुल सही से काम कर रहा है हमारा कैमरा व्यू। उसके बाद चलते हैं ADS पे, तो ADS का ये देखिए ADS फायर करते हुए होता है, ये होता है ADS, ये फायर कर दे यानी ADS खुल गया हमारा, तो इसकी हमेशा भी वही फुल रखी है हमेशा कि बंदे को आराम से मार सके। इन दोनों की सेंसिटिविटी 300 के आसपास रखी है, जब कहाँ ADS, नीचे चलो
ये रहा EDS हो गया, ये रखिए आप फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का, सबसे आसान है ये, सब ये रखते हैं EDS का मतलब फुली, क्योंकि सबको पता है कि बंदे को जल्दी मारना होता है। और जो हमने ऊपर कैमरे का रखा है वही नीचे सेम EDS का भी रखना है, EDS की भी वही रेड डॉट 25 पे, 2x 20 पे, 3x 15 पे, 4x भी 15 पे, 6x भी 15 पे, इन सबको 15 और 8x को 10 के आसपास रखना है। ये मेरी जो मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ वही सेंसिटिविटी है, तो उसको ही रखना है आपको बिल्कुल सेम है, देख लीजिए आराम से कस्टमाइज करके, मैं हमेशा यही यूज़ करता हूँ सेंसिटिविटी। तो सबसे आसान तरीका ये, मतलब बिल्कुल इक्वल नहीं होगी, बस आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, प्रैक्टिस करना है बस। जायरो तो हम दिखाएंगे नहीं, जायरो की जो मर्जी रखिए आप, जायरो यूज़ भी नहीं करना, जायरो यूज़ करेंगे तो उसकी सेटिंग बता देंगे अलग से, बाकी तो ये विदाउट जायरो है। तो ठीक है, अब आपको बताऊंगा रिकॉइल मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल रिकॉइल नहीं होती, आपको वो भी दिखाऊंगा कि मेरी बिल्कुल रिकॉइल नहीं होती, ठीक है, गन वो भी दिखाऊंगा। तो हम सेंसिटिविटी हमने सब कुछ सेट कर लिया है, अब दिखाता हूँ आपको रिकॉइल कंट्रोल, यानी आपको कैसे करना है रिकॉइल। ये देखिए एम, ये सब कुछ EDS का कमाल है, ये देखिए जो EDS हमने और EDS और स्कोप का कर रखा है दोनों का रेड डॉट के साथ, ये देखिए बिल्कुल भी हमारा नहीं हो रहा है, इस पर एम करना है, देखिए कितनी आराम से हो रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा, आपको बस प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस, और कुछ नहीं कर सकते, बस आपको लगेगा टाइम थोड़ा बहुत सीखने में, जो आपकी गंदी आदत थी कि ये आपको हाई में खेलना था, लो में खेलना था या मीडियम में, वो आपकी एक टाइम थोड़ा लगता है इसको सेटल होना। आप देखिए जैसे हमने इसको 10 रखा, क्यों 10 रखा, क्योंकि हमें हल्का सा एम करना होता है इसको, ये देखिए हल्का सा बस दाएँ लेफ्ट हल्का सा करना होता है, आप स्पीड में करोगे तो आप कराओ मतलब बंदे को नहीं मार पाओगे, अगर जल्दी आपका ये अटैक्स जाएगा उससे पहले पहुँच जाएगा, तो इसलिए अटैक्स की हमेशा 10 के आसपास रखना चाहिए। जैसे हमारा चीज सेक्ट देखिए, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल हमारा एम पे ही असिस्ट हो रहा है, बिल्कुल भी रिकॉइल नहीं हो रहा, हल्का फुल्का हो रहा है, वो तो पसीने का सीन है, बाकी तो अब लेट के देखिए, बिल्कुल लेट के तो बिल्कुल कतई ही स्प्रे जाता है, ये देखिए लेट के कोई दिक्कत नहीं है, लेट के लेट में तो आप कोई भी नहीं आ सकता, अगर आप साफ बनते हो ना तो आप लेट का स्प्रे बिल्कुल कनेक्ट होगा बंदे पर, अगर जिस पे करोगे, ये देखिए आराम से रेड डॉट का तो बेस्ट है, बस यही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और शेयर जरूर करना।